Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipma. ने क्या देखा कि जो आपका डीएनए है वो कैसा रेप्लिकेट कर रहा है, इट इज रेप्लिकेटिंग बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड। कि आपका जो डीएनए है वो किस तरीके से रेप्लिकेट कर रहा है, इट इज रेप्लिकेटिंग इन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये मैथ्यू मैलिनसन और फ्रैंकलिन थे, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इकोलाई पर, ये देखने के लिए कि अगर आपका जो डीएनए है उसकी डेंसिटीज को हम अगर डिफर करें या फिर उसको हम आइसोटोपिक उसका आइसोटोप क्या कर दें, हैवी कर दें या रेडियो एक्टिव कर दें, तो उन्हें अलग अलग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो दे ग्रू इकोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl। ठीक है, उन्होंने एक इकोलाई को क्या किया, डेवलप किया इन अ मीडियम विच इज हैविंग NH4Cl। ठीक है, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन, जो कि बहुत सी जनरेशन का इकलौता सोर्स होता है नाइट्रोजन का, NH4Cl कई सारी जनरेशन में केवल इकलौता सोर्स है नाइट्रोजन लेने का। ठीक है, द रिजल्ट वॉज दैट N15, जो इसमें नाइट्रोजन है उसका आइसोटोप क्या है, आइसोटोप इज 15। ओके, N15 was incorporated in newly synthesis DNA. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि जो N15 है ये क्या हुआ, जब इकोलाई डिवाइड किया इसके न्यू सेल्स बने, तो उसमें आपका N15 एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू सेल्स फॉर्म हो गया, मतलब उसमें आ गया जो हमें चाहिए था N15 वो आ गया। ठीक है, दिस DNA कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल DNA बाय सेंट्रीफिकेशन। अब आप N15 नॉर्मल डीएनए क्या, नॉर्मल डीएनए में N क्या चाहिए होता है, N14 चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने N15 लिया है, यानी उसे हैवीली आइसोटोपिक कर दिया है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि इसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं। द डीएनए कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक बीकर होता है, एक आपका कंटेनर होता है, उसमें आपको आपका जो सोल्यूशन होता है वो डालना होता है, हाई स्पीड पे उसे स्पिन करते हैं, चर्न करते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज आपके पार्टिकल्स, सॉल्यूट या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से आपका जो डीएनए है N15 और N14 जो भी हम चाह रहे हैं निकालना, वो क्या करेगा, वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ CsCl, मतलब सीजियम क्लोराइड। ओके, को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में डाल दिया, तो अब उसके अकॉर्डिंग फिर सेकंड क्या होगा, देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू द मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl। हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या पढ़ा था कि हमने N को क्या कर दिया, आइसोटोपिक कर दिया, हेविली आइसोटोपिक कर दिया, विच इज N15। अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने N क्या लिया है, 14 ही लिया है, एंड टुक सैंपल्स एट वेरियस डेफिनेट टाइम्स इंटरवल एज द सेल मल्टीप्लाइड। फिर जैसे जैसे सेल मल्टीप्लाई करते गए, जैसे जैसे सेल डिवाइड करते गए, वैसे वैसे कुछ कुछ टाइम इंटरवल के कुछ इंटरवल्स पे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सैंपल्स लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्टेड द डीएनए दैट रिमेन्ड द डबल स्टैंडर्ड हेलिकल, और उन्होंने उसमें से क्या किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जो कि क्या था, अभी भी डबल हेलिकल ही था। ठीक है, तो फिर थर्ड पॉइंट क्या हुआ, द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन, जो वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम N15 टू N14। सबसे फर्स्ट क्या था, हमने उसको N15 किया था। ठीक है, तो जो N15 से हमारा रिजल्ट निकल कर आया, हमें क्या मिल गया था, नए सेल्स में N15 हमारा आ गया था। अब हमने N15 को किस में ट्रांसफर किया, वी हैव ट्रांसफर्ड इनटू N14। ठीक है,
फिर आफ्टर 20 मिनट्स जब हमने 15 को 14 में ट्रांसफर कर दिया तो 20 मिनट्स बाद मीडियम हैज अ हाइब्रिड. उस मीडियम में हमें क्या मिला, हाइब्रिड फॉर्म हो गया, मतलब कुछ उसका पुराना वाला भी था, कुछ उसका नया वाला स्ट्रैंड भी था. ठीक है, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया हमने किसमें से, फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन. अब अनदर जनरेशन के बाद हमने दोबारा उसमें से डीएनए को ले लिया, लेकिन उसमें कितना टाइम था, उसमें टाइम हमने लिया 40 मिनट्स का, पहले वाले में हमने लिया केवल 20 मिनट्स का. ठीक है, वॉज कंपोज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड द लाइट डीएनए. इसमें आपका इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए भी है और इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए भी है. और इससे पहले वाले में जब हमने 15 टू 14 में किया था, इसमें जो डेंसिटीज थी वो डिफर थी, एक की ज्यादा थी एक की कम थी. वहीं जब हमने इसे दोबारा नेक्स्ट जनरेशन में लेके हमने 40 मिनट्स के लिए रखा तो वही डेंसिटीज क्या हो गई, इसकी इक्वल हो गई और हमारा रिजल्ट क्या निकला, इक्वल अमाउंट निकला किसका, हाइब्रिड डीएनए का एंड लाइट डीएनए का. ओके, डायग्राम के थ्रू समझिए. ठीक है, डीएनए था जिसका हमने एन को क्या किया था, हमने 15 आइसोटोप दे दिया था, तो एन हैज 15 रेडियो आइसोटोप. ओके, तो डीएनए अभी ये है. ठीक है, 20 मिनट्स बाद क्या हुआ, डीएनए में चेंजेस होना स्टार्ट हुए. जैसे ही उसने आपको रेप्लिकेट किया, उसने चेंजेस होना स्टार्ट हुए, तो उसने क्या किया, उसने दो स्ट्रैंड्स बना लिए. क्यों, क्योंकि हमने उसको किसमें ट्रांसफर कर दिया था, हमने एन 15 को एन 14 में ट्रांसफर कर दिया था. ठीक है, तो उसके पास अब क्या आ गए, दोनों स्ट्रैंड आ गए, एन 15 का भी स्ट्रैंड आ गया, एन 14 का भी स्ट्रैंड आ गया. तो ये आपका क्या बना, ये आपका हाइब्रिड बना. ठीक है, ये इसमें केवल आपका हाइब्रिड बना, इसमें आपको कोई भी प्योर स्पीशीज नहीं मिली, कोई भी प्योर एक डीएनए नहीं मिला, मतलब केवल एक एन 14 का डीएनए नहीं मिला, एक एन 15 का डीएनए नहीं मिला है. ठीक है, सो दिस इज योर हाइब्रिड डीएनए. ओके, एंड दिस इज जनरेशन वन. नाउ सेम, अब इसी को आपने क्या किया, इसी को आपने 40 मिनट्स और रखा, तो आपको क्या मिले, आपको मिले हाइब्रिड एज वेल एज लाइट. मतलब हाइब्रिड डीएनए तो दो मिले ही मिले, उसके साथ आपको दो एन 14 के सोलो डीएनए भी मिल गए, जो कि क्या है, आपके लाइट डीएनए, मतलब अपने प्योर फॉर्म में डीएनए मिल गए. ठीक है, तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट जो आपको जो मैथ्यू मेलनसन एंड फ्रैंकलिन ने परफॉर्म किया था. क्या प्रूफ करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि जो आपका डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से क्या करता है, रेप्लीकेट करता है. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.